तू क्या कर रहा है यहाँ पे? देखा ठंडा हो जा, मैं सिर्फ बात करने आया हूँ तुमसे। निकल। देख इफ्तिक, जो तुम अजाला के बारे में सोच रहे हो, खबरदार जो मेरी बीवी का नाम अपनी गंदी जबान से दोबारा ले। मेरे खानदान की इज्जत इतनी सस्ती नहीं है कि तू जैसा दो कोड़ी का आदमी बार बार उसका तमाशा बने। मैं यहाँ तमाशा करने नहीं आया, तुझे सच्चाई बताने आया हूँ और माफी मांगने। माफी? किस चीज की माफी? मेरा सुकून पर बात करने की या मेरा हंसता बसता घर उजाड़ने की? तुझे मैं तो क्या, मेरा खुदा भी माफ नहीं कर सकते। इफ्तिखार, उजाला मुझसे मोहब्बत नहीं करती है, वो सिर्फ तुझे चाहती है। किसे बेवकूफ बना रहे तू? अपनी आंखों से देखा है मैंने, कानों से सुना है खुद। जो तुमने देखा वो गलत था, जो तुमने सुना वो गलत था। वो मुझे ये बता रही थी कि वो तुम्हें कितना चाहती है और वो तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। क्या कह रहे थे? मैं सच कह रहा हूं, उजाला ने वो सारी बातें तुम्हारे बारे में की थी। उस वक्त वो होश में नहीं थी, इसलिए वो जानती नहीं थी कि वह तुम नहीं मैं खड़ा हूं। उजाला ने तुमसे कोई बेवफाई नहीं की, तुम दोनों का कसूरवार मैं हूं। सजा मुझे मिलनी चाहिए, उजाला बेगुनाह है, उसमें इसका कोई कसूर नहीं है। देख इफ्तिखार, अभी भी टाइम है, माफी मांगी उससे, वो तुझे माफ कर देगी। उजाला का फोन है। हेलो उजाला, उजाला मैं इफ्तिखार के साथ खड़ा हूं, मैं उसको सब कुछ बता दिया है, मैं उसको तुम्हारे पास ला रहा हूं। आ जाओ आ जाओ, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कौन कौन है तू? उजाला का है, फोन दो उसे। बड़े अफसोस की बात है, तुम तो मेरी आवाज भी भूल गए हो शबीर। तुम? सही पहचाना, हाँ मैं जमान बोल रहा हूं। अगर उजाला को कुछ हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे उजाला को कुछ नहीं होगा, तुम बस फौरन मेरे पास आ जाओ। बहुत सी बातें कर रही है तुम्हारे साथ, बहुत से हिसाब है, जल्दी आ जाओ शबीर, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। कौन था? छोड़ो मुझे। आओ 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 शबीर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। भाई क्या कर रहे हो, घर आए मेहमान के साथ ऐसा सलूक करते? छोड़ो। उजाला कहाँ है? तमीज तहजीब तुम्हें किसी ने सिखाई? भूल गए हो सब कुछ, ना कोई सलाम ना दुआ ना हाल अहवाल, बस आते ही उजाला कहाँ है, उजाला कहाँ है? ये उजाला है कौन? पर क्या लगती है तुम्हारी, अब तो बता दो ना। मैंने कहा कहाँ है उजाला? वही जहां उसे होना चाहिए था, यहां मेरे पास, मेरी कैब में। देखो वो बेकसूर है, उसको जाने दो, जो बदला लेना है मुझसे ले लो।
तुम्हें ही तो सजा दे रहा हूं। तुमने उसका इंतकाम लेने के लिए मुझे बर्बाद किया था, आज मैं तुमसे इंतकाम लेकर उसे बर्बाद करूंगा। लेकिन डरो मत, मैं उसे मारूंगा नहीं। भाई एक बार का मरना भी क्या मरना होगा, तो रोज आनी चाहिए ना। नहीं, मैंने कुछ गलत कहा? वो रोज मरेगी और मैं उसके जीने की आरजू को दफन कर दूंगा। वो मौत की भीख मांगेगी और मैं उसे मौत नहीं दूंगा। लेकिन अफसोस, ये सब कुछ देखने के लिए तुम नहीं रहोगे। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे एक काम के। जाओ, अब उजाला को मेरे पास लेकर आओ।
क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। मैं मेरे दिमाग बदला ले लिया, जवान को मार दिए, अब तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। घबराओ मत, पुलिस से भी कहती होगी। उनको लेके आ रहे हैं। शबीर आपका बहुत खून बह रहे, मैं जाती हूँ, मदर लेकर आती हूँ। कहीं बचा, ये रहा, ये रहा। इफ्तिखार से कह देना कि मुझे माफ कर दे, मैंने से बहुत नुकसान पहुंचा है। बहुत परेशान किया उसे, तुम भी मुझे माफ कर देना। वादा करो तो मुझे भूलोगे नहीं, करो ये सब खत्म होने के बाद हम फिर मिलेंगे किसी नई जगह, किसी नए दिन, किसी नई दुनिया में। तुमसे फिर वही सवाल करूंगा, और जवाब में तुम मुझे हाँ कहोगे। इंतजार करूंगा तुम्हारे, शबीर।
जनाजा हो गया। तुम ठीक हो? ज्वाला सच हूं तो मेरे पास अल्फाज नहीं अपनी सफाई पेश करने के लिए। मैं भी तुम्हारा गुनहगार हूं। बाकियों की तरह मैंने भी तुम्हें तकलीफें दी, अजियतें दी। मैं तुम्हारी माफी का हकदार तो नहीं, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं बस अपने आप में नहीं था, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। तुम्हारे मुंह से उसके लिए मोहब्बत का इकरार सुना तो मैं मर सा गया था। मुझे लगा ये रिश्ता तुम्हारे लिए एक बोझ, तुम्हें इस बोझ से आजाद करना चाहता था। चाहता था कि तुम उसके पास चली जाओ, तुम्हें खुश देखना चाहता था। जाना तो मुझे जो सजा देना चाहोगी मंजूर है, मुझे मैं कुछ नहीं कहूं। चलता हूं। कहां जा रहे? अभी बात खत्म तो नहीं हुई है, बल्कि मेरी बात तो शुरू ही नहीं हुई। हमेशा यही करते हो, अपना फैसला सुनाते हो और चले जाते हो। 22 महीने 17 दिन तुम्हारे नाम, तुम्हारी मोहब्बत के नाम गुजार दी, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आया मेरी मोहब्बत पर। जब ये सुना कि मोहब्बत करती हूँ तो आके पूछा क्यों नहीं मुझसे कि किससे मोहब्बत करती हूँ? खुद ही फैसला किया और चले गए रिश्ता तोड़ने। तुम तो कहते थे कि दुनिया में अगर कोई मुझे जानता है तो तुम जानते हो, ये जानते हो तुम मुझे? मैं भटक गया था उजाला, मुझे लगा तुम उसे मोहब्बत करती हो, उसी के साथ रहना चाहते। सोच भी कैसे लिया तुमने? तुम नहीं जानते थे कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। अब मैं कैसे तुम्हारा हाथ पकड़ू? सुनी सुनाई पर छोड़ के चली जाती हूँ। तुम सही कह रहे थे, तुम वाकई सजा के हकदार हो, सजा मिलेगी तुम्हें और सारी जिंदगी मिलेगी। आज के बाद तुम अपनी जिंदगी और अपनी जिंदगी के सारे अख्तियारात मुझे सौंप रहे हो। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी के सारे फैसले मैं करूंगी। देख क्या रहे हो, कसम खाओ। मेरी जिंदगी और जिंदगी के तमाम अख्तियारात तुम्हें देता हूं। सांस टूट जाएगी लेकिन ये रिश्ता नहीं टूटेगा। कसम खाता हूं। अब एक और बात कान खोल कर सुन लो, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ, हमेशा तुमसे ही की और आइंदा भी तुमसे ही करूंगी।
समझ आई? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या बोलूं? यही बोलो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। आप हंस क्यों रहे हो? मैं भी तुमसे मोहब्बत करता, कल भी करता था, आज भी करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। आप कैसा फील कर रही हो? ठीक हूं। गुड। परसों रात हामिद जमान पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। पुलिस ने उसके तमाम साथियों को भी अरेस्ट कर लिया। ये रियाज साहब ने भेजा। ये क्या है? तुम हमारी नई ब्यूरो चीफ हो, कल से तुम्हारी ज्वाइनिंग है। क्या हुआ, तुम्हें यह सुनकर खुशी नहीं हुई? अमर, तुम ज़िया साहब को मना कर दो, मैं ये जॉब नहीं करूंगी। लेकिन क्यों, तुम ब्यूरो चीफ ही तो बनना चाहती थी। अब नहीं चाहती, मैंने जर्नलिज्म छोड़ने का फैसला किया है। पर शदफ, अमर प्लीज मुझे पुश मत करो, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। शदफ, मैं जानता हूं तुम सदमे में हो, तुम्हारी जगह कोई भी होता यही फैसला करता। फिर भी मैं ये कहूंगा कि तुम एक बार सोच लो, इस मुल्क को तुम्हारे जैसे निडर लोगों की जरूरत है जो सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। तुम लाखों मजलूमों की आवाज बन सकती है। नादिर भी तो यही चाहता था। नादिर जीना चाहता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था, नहीं बन सका, उसकी सारी ख्वाहिशें अधूरी रह गई। मैं फैसला कर चुकी हूं अमर, और अब मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम कोई भी फैसला करने से पहले नादिर के बारे में जरूर सोच लेना। ऐसा ना हो कि तुम्हारे फैसलों की वजह से नादिर की कुर्बानी राय आ जाए। तमाम तर सबूतों और मकबूल अख्तर के इकबाल जुर्म के बाद ये अदालत मुलजिमा उजाला इफ्तिखार को हेरोइन स्मगलिंग केस में बाइज्जत बरी करते हुए उन पर लगे तमाम चार्जेस खारिज करती है। इसके साथ ये अदालत मुजरिम मकबूल अख्तर को आरिफ अली का कत्ल करने और उजाला इफ्तिखार को हेरोइन स्मगलिंग के झूठे केस में फंसाने के जुर्म में 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। अम्मा कैसी? ठीक है। वो नहीं आई मुझसे मिलने? वो तो आना चाहती थी मगर मैं नहीं लेकर आई। तब भी ठीक नहीं है उनकी,
डॉक्टर साहब ने मुकम्मल आराम के लिए कहा है। वो जानती है कि हीरोइन मैंने रखी थी। ये बात मेरे और इफ्तिखार के अलावा कोई नहीं जानता। और ना ही कभी जान पाएगा। से बहुत बड़ी गलती होगी। काश मैं शबीर की बातों में ना आता। मैं सारी पुरानी बातें भूल चुकी हूं। बेहतर है कि तुम भी बुला दो। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? नहीं। किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। माफी मिल सकती है? एडमंड बर्क ने अपनी किताब रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस में कहा था कि बुराई को जीतने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि अच्छे लोग बुराई को देखें, उसे बुरा समझें, लेकिन कुछ ना करें। आज हम सब वही अच्छे लोग बन गए हैं। रोजाना हम अपनी आंखों के सामने बुराई को देखते हैं, उसे बुरा मानते हैं, लेकिन खामोश रहते हैं। और एक दिन हमारी खामोशी हमसे हमारी सबसे कीमती चीज छीन लेती है। उस दिन हम जागते हैं और समझ जाते हैं कि आवाज उठाना कितना जरूरी था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमारे पास उम्र भर के पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता। मगर जो आवाज बुलंद करके हक पर कायम रहते हैं, अपनी जान खतरे में डाल के हर मुश्किल को सहते हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। हर अंधेरी रात एक रोशन सुबह लाती है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, तुम हक पर कायम रहना। कोई कितना ही क्यों ना कहे, तुम मत बदलना। फिर जीत तुम्हारी ही होगी। चलें।
क्योंकि मैं ग्रीन